Let's लेट्सटार्ट द प्रजेंटेशन common mistakes beginners make in coding competitions. कॉम्पिटिशन्स uh, इस presentation में हम डिस्कस करेंगे कि एक नॉर्मल जो स्टूडेंट होता है या जो बिगिनर होता है वो कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में किस किस तरह की मिस्टेक्स करते हैं usually. Let's begin with the introduction. First comes competitive programming. प्रोग्रामिंग uh, Competitive programming में हमें अच्छे से अपने स्किल सेट को चेक करने का मौका मिलता है कि हम कहाँ कहाँ पे एक्सेल करते हैं या हमें कहाँ कहाँ पर अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है तब सेकेंड इज़ कॉमन मिस्टेक्स कॉमन मिस्टेक्स मतलब कि एक जो बिगिनर होता है या जो स्टूडेंट होता है वो कहाँ कहाँ पे कॉमन कॉमन से छोटी छोटी गलतियाँ करता है जिनके चक्कर में आप कुछ अच्छा करते करते रह जाते हैं आपके मार्क्स कट जाते हैं थर्ड कम्स द इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस कि आप अपना परफॉर्मेंस किस तरीके से बढ़ा सकते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं थोड़े बहुत जिनको आपको ध्यान रखना पड़ता है जिनकी हेल्प से आपकी काफ़ी हेल्प हो जाती है मिस्टेक वन इज़ नॉट रीडिंग द प्रॉब्लम केयरफुली ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो काफ़ी बिगिनर्स से हो जाती है कि हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो इसमें आता है अंडरस्टैंडिंग द चैलेंज कि हमें जो क्वेश्चन गिवन है उसको हम ढंग से समझें रीड केयरफुली हाईलाइटिंग की डिटेल्स उसमें जो की डिटेल्स होते हैं वो हमें हाईलाइट करनी पड़ते हैं कि हमारे को ये मेन टास्क है आपको मेन टास्क पे फोकस करना है सबसे पहले देन कम्स द अवॉइडिंग मिस इंटरप्रिटेशन इंश्योर क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिफोर कोडिंग एक बार आप ढंग से अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझे कि हमें एक्चुअली में करना क्या है वरना कई बार आप आधा आधा, आधा पढ़ के करेंगे तो कई बार चीजें गलत हो जाती हैं तो आप एक बार पूरा पढ़ के ढंग से समझिए देन द फोकस एंड अटेंशन डोंट जम्प एंड टू कोड टू क्विकली आप ढंग से फोकस करिए सोचिए कि हमें करना क्या है एकदम से कोडिंग पार्ट पे मत उतरिए थोड़ा दिमाग लगाइए कि हाँ ये चीज ऐसे होगी और यही करना है आपको बहुत चीजें गिवन होती हैं क्वेश्चंस में उनमें से एक होता है सैम्पल इनपुट आउटपुट आप उन चीजों पे भी काफी ध्यान दे सकते हैं कि हाँ ऐसा करने से ऐसा होना चाहिए तो ये कैसे होगा इस तरीके की प्रॉब्लम्स का एक सिंपल से एग्जांपल ये है कि आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन एन एरे अब इसको हम काफ़ी चीज़ों से मिसअंडरस्टूड कर सकते हैं वो क्या हो सकती है जैसे कि हमें एजम्पन लगा लिया कि एरे के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स होंगे क्वेश्चन में गिवन नहीं था बट हमने अपने आप से अनुमान लगा लिया कि हाँ ये हो सकता है तब आएगा इनकरेक्ट करेक्ट सोल्यूशन बिकॉज वी विल बी वेस्टिंग टाइम ऑन डिबर्गिंग एरर्स हम एरर्स में को भी हटाते रह जाएंगे टाइम वेस्ट होगा काफ़ी और चांसेस हैं कि हमारा सॉल्यूशन भी सही ना निकले

परफेक्ट चीज़ चाहिए हमें थोड़ा एफिशिएंसी की तरफ भी ध्यान देना होता है तो इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है सेट टाइम लिमिट्स फॉर ईच प्रॉब्लम मतलब आप अपने आप को टाइम से बाउंड कर दे कि हाँ मैं एक प्रॉब्लम में इससे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा या करूंगी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम हमने दे दिया उस प्रॉब्लम के लिए हेयर आर टिप्स फॉर मिस्टेक नंबर टू फर्स्ट इज टाइम लिमिट 15 टू 20 मिनट्स पर प्रॉब्लम यूजुअली हमारे पास एक घंटा होता है और तीन क्वेश्चंस होते हैं तो उस हिसाब से टाइम डिसाइड किया है हमने इन केस आपके पास नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स और टाइम अलग अलग है तो आपको उस हिसाब से ब्रेक करना पड़ेगा टाइम को ताकि आप हर एक प्रॉब्लम को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम दे इज मैक्सिमाइज पॉइंट्स फोकस ऑन सॉल्विंग व्हाट यू कैन सबसे पहले आप सारे क्वेश्चन से गो थ्रू करिए और देखिए आप क्या कर सकते हैं सबसे पहले उन प्रॉब्लम्स को करिए जो आप कर सकते हैं ना कि उन प्रॉब्लम्स uh, को टाइम वेस्ट करें जो आपके बस की अभी के टाइम पे नहीं है थर्ड कम स्ट्रेटेजिक अप्रोच डोंट गेट स्टक ऑन वन प्रॉब्लम जैसे कि मैंने अभी कहा कि आपको हर एक प्रॉब्लम के लिए टाइम डिसाइड करना है तो अगर उस टाइम ड्यूरेशन में वो प्रॉब्लम नहीं हो पाती है तो आप अगले की तरफ मूव कर जाइए एक ही पे स्टक मत रहिए कहीं पता चला जो होना था वो भी नहीं हुआ और जो हो ही नहीं रहा उस पर टाइम वेस्ट हो गया काफी ज्यादा कॉमन मिस्टेक थ्री इज नॉट टेस्टिंग इनफ मतलब हमने अपने जो भी हमारा कोड है हमने उसको अच्छे से टेस्ट नहीं किया इसमें प्रॉब्लम है टेस्टिंग ओनली सैम्पल केसेस सोल्यूशन इज टेस्ट विद वेरियस इनपुट एंड द चैलेंजेस हैंडल एच केसेज लाइक एम टी आर ए और लार्ज इनपुट्स इसके लिए हम क्या देखते हैं हमारे पास एक कोड है हमें उस, कुछ आर ए से रिलेटेड कोड है हमें उसको टेस्ट करना हमने खाली उसमें सैम्पल केसेज जो थे हम लोग वो चला के देख लिया अब इसमें हमारे को इशू ये हो सकता है कि कुछ ऐसे एज केसेस होते हैं क्या पता हमारा को उन एज केसेस पे फेल कर जाए तो हमें उस चक्कर में काफ़ी ज़्यादा और जो केसेस होते हैं उन पर टेस्ट करने की जरूरत होती है जैसे कि यहाँ लिखा है टेस्ट विद वेरियस इनपुट्स तो हमें सैम्पल केसेस के अलावा भी और केसेस का टेस्ट करना चाहिए स्पेशली जो थर्ड पॉइंट है यहाँ हैंडल एज केसेज लाइक एम और लार्ज इनपुट्स में आपको एरे के क्वेश्चंस में कई बार एक बाउंडेशन लिमिट में डील कर रहे हैं आप उस लिमिट के टैकल कर, कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है टिप्स फॉर मिस्टेक नंबर थ्री फर्स्ट फॉर एच केसेज एच केसेज के लिए हम जनरली नेगेटिव नंबर और एम टी आर एज ट्राई करते हैं ताकि हम चेक कर पाए हमारा उसमें उसमेंटली काम कर रहा है या नहीं देन कम्स द कैच हिडन बर्ग्स वाला पार्ट इसमें हम ट्राई करते हैं कि छोटे छोटे जो बर्ग्स होते हैं जो यूजुअली आ सकते हैं हमें थोड़ा बहुत उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए हम उनको प्रिवेंट करें इससे हमारा क्या हो सकता है प्रिवेंट रन टाइम एरर्स देन कम्स मैक्सिमाइज कॉन्फिडेंस मतलब अवॉइड द फ्रस्ट्रेशन ऑफ फेलिंग आफ्टर सबमिशन सपोज आपने सबमिट किया अपना एक कोड और आपने देखा कि कुछ केसेस नहीं चल रहा तो आपको वहाँ फ्रस्ट्रेट नहीं होना है अगर आपका थोड़ा टाइम है तो उसको टाइम दीजिए समझने का कोशिश करिए कैसे करना है वरना आप अगले प्रॉब्लम की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं फोर्थ common mistake is ओवर solutions. सोल्यूशन uh, first is simplicity focus on a clear easy to understand solution आपने क्वेश्चन पढ़ा आपको उसका एकदम सिंपल सा रोड मैप तैयार करना है जो एकदम क्रिस्टल क्लियर होता मतलब एकदम आप जैसे किसी लेमैन को समझाएंगे ना उस तरीके का आपको उसको बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है देन इज ऑप्टिमाइज लेटर मतलब आप स्टार्टिंग में ही उसको ऑप्टिमाइज नहीं बनाएंगे स्टार्टिंग में आप सिंपल सिंपल एलगोरिथम यूज करेंगे एकदम से आप एडवांस एल्गोरिथम्स की तरफ नहीं जाएंगे ताकि कॉम्प्लेक्सिटी कम हो थोड़ी देन इज़ द efficiency. इम्प्रूव परफॉर्मेंस ओनली इफ़ नेसेसरी अगर आपका कोई काम छोटे और आसान तरीके में चलता है तो आप उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे तो मतलब आसान तरीके से उस काम को निपटाइए धीरे धीरे करके उसमें एफिशियंसी बढ़ाइए अगर जरूरत हो तो सपोज आपको कोई क्वेश्चन है जो time टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में फेल कर रहा है तो आपने पहले उसमें कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा यूज़ कर ली तो आप उसको ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा कम करके लाइए वरना आपका पहले टाइम ज़्यादा चल जाएगा उसको कोउ करने में Uh, एक एग्जांपल ये है फोर्थ वाले प्रॉब्लम का लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं कि एक सिंपल सा पैटर्न रिकॉग्निशन का कोड लिखा गया है और राइट साइड पर भी सेम चीज़ है बट इसको थोड़ा ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट कर दिया है चीज सेम है बट कॉम्प्लेक्सिटी आप देख सकते हैं कि कितनी है उसके अंदर जो काम आसान तरीके से हो सकती है उसको आसान ही रहने दो तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है फिफ्थ कॉमन मिस्टेक इज नेगलेक्टिंग एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर बेसिक्स इसमें मतलब ये हुआ कि काफ़ी बच्चे जो बेसिक्स होते हैं एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर के जो हमें कोड करते हुए काफ़ी हेल्प करते हैं वो इग्नोर कर देते हैं वो हमें नहीं करना है इसमें तीन चीज़ें आती हैं फाउंडेशन मैटर्स अंडरस्टैंडिंग कोर कॉन्सेप्ट इज एसेंशियल मतलब जो आपके कोर कॉन्सेप्ट हैं जो एकदम बेसिक बेसिक चीज़ें हैं आपको वो समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है देन कम्स प्रैक्टिस रेगुलरली मास्टर कॉन्सेप्ट लाइक एरे सॉर्टिंग एंड ट्रीज मतलब आपको रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करनी है कोई भी छोटी छोटी जो टॉपिक्स होते हैं उनको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी कि हाँ हमें आता है आपको रेगुलर बेसिस पर उसको प्रैक्टिस करते रहना है जैसे कि एरो हो गया सॉटिंग हो गया ट्रीज हो गया और भी कई चीज़ें हो सकती हैं जिनको आप रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस में लाना चाहिए थर्ड कम्स स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिटिकल फॉर सक्सेस इन कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मतलब जब आपका बेसिक स्ट्रांग होंगे तो आपको कहीं कही ना कहीं आगे एडवांस चीज में काफ़ी हेल्प मिलेगी जिनकी हेल्प से आपकी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है तो आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग बनाना है मिस्टेक नंबर सिक्स इज फेलिंग टू ऑप्टिमाइज सोल्यूशन इसके अंदर तीन चीज़ें ज्यादा आते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और एक एफिशिएंसी एनालिसिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब आपको कई बार अपने क्वेश्चन में गिवन होता है कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम ही है आपके पास इस कोड को रन करने के लिए रन होने के इतने टाइम बाद तक आपको सोल्यूशन मिलना चाहिए तो आपको उस हिसाब से अपने कोड को ऑप्टिमाइज करना है कि गिवन टाइम लिमिट्स में आपका कोड आपको डिजायर्ड आउटपुट प्रोवाइड कर पाए सेकेंड इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब आपको कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का कि आपको इससे ज्यादा स्टोरेज यूज करना अलाउड नहीं है तो आपको उस हिसाब से स्टोरेज का भी ध्यान रखना पड़ता है जैसे एरे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टोरेज यूज करता है तो हमें उसको भी अवॉइड करते हुए चलना है थर्ड इज एफिशियंसी एनालिसिस मतलब आप जहाँ जहाँ पे भी अपने कोड को एफिशियंट बना पाए और ज्यादा आपको बनाना है ताकि आपका सोल्यूशन ढंग से आ पाए और अच्छे से आ पाए

लर्न टू मैनेज एंड प्रेशर आप धीरे धीरे जब अपना आपको प्रेशर में रखेंगे तो आप धीरे धीरे स्ट्रेस मैनेजमेंट भी आपको इंक्रीज करना पड़ेगा अपना ताकि आप प्रेशर को इजिली हैंडल कर पाए थर्ड कम्स टाइम मैनेजमेंट मतलब एफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट स्किल्स जब आप प्रेशर में होंगे तो आपको हर एक काम को टाइमली करना पड़ेगा एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम में करना है तो उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स भी डेवलप करने बहुत जरूरी है मिस्टेक इट इज इग्नोरिंग प्रॉब्लम कंस्टेंट्स कंस्ट्रेंट्स uh, आपको गिवन होते हैं क्वेश्चन में सचेज आपको कुछ इनपुट साइज गिवन होगी कि हमें ये चीज़ इनपुट इस तरीके से लेनी है कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं टाइम के लिए कुछ होते हैं स्पेस के लिए हम कई बार उनको इग्नोर कर देते हैं एग्जाम्पल के लिए इनपुट साइज का होता है डिटरमाइंस एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी हमें गिवन है कि हमें इनपुट साइज इतना ही लेना है तो हम उसके हिसाब से हमें एल्गोरिथम सोचनी पड़ेगी कि हमें कौन से एल्गोरिथम लगानी है क्योंकि हर एक एल्गोरिथम अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी पर काम करती है देन इज रेंज ऑफ वैल्यूज मीनस इम्पैक्ट डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स तो डिफरेंट रेंज ऑफ वैल्यूज के हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं एल्गोरिथम यूज करते हैं क्योंकि हर एक हर एक के लिए नहीं बनी होती है हर एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है कि इसमें बेस्ट है ये उसमें बेस्ट है उस तरीके से हमें डिसाइड करना पड़ता है थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस प्रेजेंटेशन